चुड़ैल बिल्ली। एक बार रात के 12 बजे जब राहुल के गांव में सभी लोग सो रहे थे तो अचानक जोर जोर से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव के लोग अपने घर के बाहर आ गए और देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। सभी एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखा कि चौपाल पर लगे पीपल के पेड़ के नीचे दो औरतें जोर जोर से लड़ रही हैं। उन औरतों का पूरा शरीर तो औरतों की तरह है, लेकिन उनका चेहरा भयानक बिल्लियों की तरह था। उनके मुंह में बड़े बड़े दांत थे और वे अपने पंजों से एक दूसरे को मार रही थीं। एक बिल्ली जैसी दिखने वाली औरत जोर जोर से रो रही थी और दूसरी औरत क्रूरता से उसके ऊपर आक्रमण कर रही थी और उसे मार रही थी। लोग दोनों बिल्ली जैसी चुड़ैलों को देखकर बुरी तरह से डर गए और वापस अपने घरों में जाकर दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। सुबह होते ही पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि गांव में चुड़ैल बिल्ली आ गई है। मुखिया जी ने सभी गांव वालों की एक मीटिंग बुलाई और सभी उसमें चुड़ैल बिल्ली के बारे में उन्होंने जो भी देखा बताने लगे। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मुखिया जी से प्रार्थना कर रहे थे कि वे किसी भी तरीके से इस मुसीबत से उन्हें बचाएं। सारे गांव ने चुड़ैल बिल्ली को देखा था, लेकिन मुखिया जी उस दिन अपने बेटे के पास शहर गए हुए थे, इसलिए उनका सामना चुड़ैल बिल्ली से नहीं हुआ था। मुखिया जी को ऐसा लग रहा था कि शायद गांव वालों को नींद में कुछ गलतफहमी हुई है। फिर भी उन्होंने गांव वालों को समझाते हुए कहा, भाइयों आप चिंता ना करें, मैं इस मामले की पूरी जांच कर लूंगा और देखूंगा कि वह कौन सी औरतें हैं जिनका चेहरा बिल्लियों की तरह है और जो इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे लड़ाई कर रही थी। मैं जानता हूं कि इससे हमारे गांव की सुरक्षा को भी काफी खतरा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और आज ही गांव के पहलवान सम्राट सिंह को मैं गांव का चौकीदार बना देता हूं। मुखिया जी की बात सुनकर सभी गांव वाले बड़े खुश हुए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। गांव वालों को लगा कि उनकी आधी मुसीबत तो मुखिया जी ने चौकीदार रखते ही दूर कर दी, क्योंकि पहलवान सम्राट सिंह गांव का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी था और गांव वालों का मानना था कि अगर वह चौकीदार बन गया तो गांव में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। खैर रात हुई और सब लोग अपने अपने घर सोने चले गए। ठीक रात के 12 बजे फिर जोर जोर से बिल्लियों के लड़ने और रोने की आवाजें आने लगी। साथ ही पहलवान सम्राट सिंह की आवाज भी आ रही थी। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। सभी गांव वाले डंडे लेकर आवाज की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि सम्राट सिंह जमीन पर पड़ा हुआ है और दो छोटी छोटी बिल्लियां उसके पेट पर बैठी हुई हैं और वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। सभी गांव वाले सम्राट सिंह का हाल देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, सम्राट सिंह आंखें खोल लो और देखो ये छोटी छोटी बिल्लियां तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं। जब सम्राट सिंह ने आंखें खोली तो वह हैरान हो गया और बोला, नहीं यह नहीं हो सकता, आप लोग भरोसा करिए, अभी यहाँ दो भयानक चुड़ैलें थी, दोनों ही बिल्लियों के रूप में थी, दोनों ने मुझे पीपल के पेड़ पर लटका दिया था और एक तो मेरे गले से खून पीने लगी थी और दूसरी चुड़ैल मेरे बालों को नोच रही थी। जैसे ही मैंने आप लोगों को पुकारना शुरू करा तो यह दोनों मुझे छोड़कर कहीं चली गई और मेरे ऊपर केवल यह दो छोटी छोटी बिल्लियां रह गई। गांव वालों ने देखा सम्राट सिंह के गले पर दांतों के निशान थे। तुरंत मुखिया जी को बुलाया गया। मुखिया जी ने देखा कि गांव वाले सच कह रहे हैं। मुखिया जी ने कहा, ठीक है कल गांव की रक्षा मैं करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए,
मैं देखता हूँ कौन ऐसा है जो हमारे गांव की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। किसी तरह से रात कटी और मुखिया जी अगले दिन के लिए पहरा देने को तैयार हो गए। घड़ी में 12 बजे हुए थे। पूरे गांव के लोग सोए हुए थे। मुखिया जी पीपल के पेड़ के नीचे डंडा लेकर बैठे हुए थे। अचानक मुखिया जी ने देखा कि दो बूढ़ी औरतें घूंघट काढ़े चली आ रही हैं। मुखिया जी बोले, क्यों चाची, तुम्हें चुड़ैल बिल्ली के बारे में पता नहीं है? इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? जल्दी जल्दी जाओ और अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो जाओ। तुम सबकी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो यहाँ आए। दोनों औरतें मुखिया के पास आ गईं और बोली, अरे मुखिया बेटा, तुम्हें क्या बताएं? हम दोनों पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। पड़ोस के जंगल में एक जादूगरनी आ गई है जिसने बहुत आतंक मचाया हुआ है। बस जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर किसी जानवर ने काट लिया है जिससे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है? और यह कहते कहते दोनों औरतों ने अपना घूंघट हटा दिया और उनका मुंह देखते ही मुखिया जोर से चिल्ला पड़ा, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ बचाओ। और वह दोनों जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हा हा हा, क्यों मुखिया, तू भूल गया? यहाँ पर तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम तेरे घर में रहने वाली वह दोनों छोटी बिल्लियां हैं जिसे तूने अपनी गाड़ी से दबा दिया था और उसके बाद हमारे शरीर को कटवा कर अपने कुत्ते को खाने को दे दिया था। उससे बदला लेने के लिए ही हम दोनों यहाँ पर आए हैं। और जैसे तूने हमारे शरीर को कटवाया था ना, उतने ही छोटे टुकड़े हम तेरे शरीर के करेंगे। और यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। मुखिया को याद आ गया, कुछ साल पहले ही उसकी कार के नीचे उसके घर में रहने वाली दो बिल्लियां आ गई थीं, जिनके मर जाने के बाद उसने उनके शरीर को अपने कुत्ते को खाने को दिया था। मुखिया को अपनी गलती समझ में आ गई और वह बिल्लियों से माफी मांगने लगा। पर बिल्लियों ने कहा, मुखिया, तुमने हमारे साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया है। इसका बदला सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारे भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिन्हें हम दोनों बहनें मिलकर खाएंगे। अब हम दोनों तुम्हारे व्यवहार के कारण चुड़ैल बन गए हैं और हमारा पेट केवल मांस खाने से ही भरता है। और ऐसा कहते कहते दोनों ने मुखिया जी के बुरी तरह से टुकड़े कर डाले और उन्हें खा गई और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि वहां मुखिया का सिर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत सा खून है। डर के मारे सबकी हालत बुरी हो गई और वह पुरानी पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाए। तांत्रिक बाबा ने आते ही बता दिया। वह बोले, देखो गांव वालों, तुम्हारे गांव पर भयानक चुड़ैल का साया पड़ गया है। वह किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक करके सब मरेंगे। केवल एक ही चीज है जिससे इन चुड़ैलों से छुटकारा पाया जा सकता है। वह है, तुम लोग किसी कुत्ते को यहां पर लाओ और मैं उस कुत्ते की पूजा करूंगा। मेरी पूजा के बाद उस कुत्ते और चुड़ैल बिल्लियों की लड़ाई होगी। अगर बिल्लियों ने कुत्ते को मारकर उसका मांस खा लिया तो वह इस गांव से नहीं जाएगी, लेकिन अगर कुत्ते ने बिल्लियों को मार दिया तो वह इस गांव को छोड़कर चली जाएंगी, वरना एक एक करके गांव के हर घर से लोग मरते जाएंगे। गांव वालों ने मुखिया के घर के कुत्ते को लाकर तांत्रिक के सामने खड़ा कर दिया। तांत्रिक ने उसकी पूजा करी। पूजा करते ही कुत्ता जोर जोर से बोलने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। कुत्ता जोर जोर से गुर्राने लगा और अचानक उसका शरीर एक बहुत ही बड़े भयंकर आदमी के रूप में बदल गया,
जिसका चेहरा कुत्ते की तरह था और शरीर राक्षस का। वह बोला, आ जाओ बिल्ली चुड़ैलों, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। पहले भी तुम्हें मैंने ही खाया था, आज भी मैं ही खाऊंगा। वह चिल्लाया और लड़ाई के लिए चुड़ैलों को ललकारने लगा। कुत्ते की ललकार सुनकर जल्दी ही बिल्ली चुड़ैल वहां पर आ गई और चुड़ैल कुत्ते और चुड़ैल बिल्ली की खतरनाक लड़ाई होने लगी। बिल्लियां जोर जोर से कुत्ते पर आक्रमण कर रही थी और कुत्ता तांत्रिक द्वारा करी गई पूजा के कारण पूरी ताकत से दोनों बिल्लियों से लड़ रहा था। अचानक चुड़ैल बिल्लियों ने कुत्ते को जमीन पर गिरा दिया और उसके गले में अपने दांत लगाकर उसका खून पीने लगे। सारे गांव के लोग बहुत डर गए और तांत्रिक जोर जोर से पूजा करने लगा। बिल्ली और कुत्ते दोनों ही भयानक आवाजें निकाल रहे थे। तांत्रिक ने पूजा के चावल कुत्ते पर फेंके और अचानक ही वह तेजी से खड़ा हो गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपने दोनों पंजों में एक एक बिल्ली को पकड़ा हुआ था। उसने अचानक अपने पंजों की पकड़ से दोनों चुड़ैल बिल्लियों की गर्दनें तोड़ दी और उनका खून चाटने लगा। तेज आवाज के साथ बिल्लियों के अंदर से चुड़ैल की आत्मा निकलकर आसमान में उड़ गई और कुत्ता जोर से जमीन पर गिर गया। तांत्रिक ने फिर उसके ऊपर पूजा के चावल डाले और वह वापस अपने असली रूप में आ गया। इस तरह बिल्ली चुड़ैलों के प्रकोप से गांव को मुक्ति मिल गई और सब शांति से रहने लग गए और सबने वादा किया कि वह आज के बाद किसी भी जानवर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।